फाइनेंशियल बेसिस पर जो है हमने ये किया है कि 50 ईयर से जितने भी कम लोग हैं उनको जो है इमीडिएटली हम इंट्रोड्यूस कराएं और उनका इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोयर जो है उसके लिए जो है हम उनकी तकलीफात को जो है वो तर्जुमा करें और वो तर्जुमा जो है वो एम्बेसीज के अंदर जो है उनको भेजा जाए और फिर उसका फायदा हमें क्या होगा कि यूथ टू यूथ जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और इंटरनेशनल एक्सपोयर जो है डेलीगेशन के लिए हम कर रहे हैं। ये जो है वो एक न्यू इनपुट है जबकि ऑलरेडी जो हमारी बातचीत चल रही है जिसमें सीनियर्स का तो उसमें हम तकरीबन कोशिश हमारी ये है कि हम एक दो किताबों तक ना रहें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शादाब साहब से जिक्र छोड़ा था कि हमने कर्गिस्तान के राइटर आत्मातोफ की किताब को ट्रांसलेट कर लिया है, उसकी अभी 26 को जो है वो इनॉग्रल है उसका, उसमें आत्मातोफ की सिस्टर और जो है वो उसका बेटा जो है वो वहाँ से आ रहे हैं कर्गिस्तान से, लेकिन कोविड की वजह से अब शायद हम उसको पोस्टपोन करें, रीशेड्यूल करें। नेपाली किताब का हमने जो है वो तर्जुमा कर दिया है, इसी तरह चाइनीज क्लासिक जो है उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है और वो किताबें प्रेस में है और उम्मीद यही है कि उनको वेरी सून जो है अप टू फरवरी हम इनका इनॉग्रल जो है वो कर देंगे। लेकिन ये वन वे नहीं कर रहे, हमने वाइस वर्सा उनको बाउंड किया हुआ है कि आप हमारी पाकिस्तानी राइटर्स को फिर अपनी जुबानों में जो है वो उसको तर्जुमा करें। इसके अलावा अदबियात जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद से इशू होता था, हमने चारों सूबों से जो है वो अदबियात के रीजनल ऑफिस से जो है वो हमने उसका इजरा किया है और इंशाल्लाह जनवरी में उसका पहला शुमारा जो है वो आप लोगों के हाथों में होगा। उसमें हमने ये किया है कि जितनी भी सूबे में जुबानें बोली जाती हैं उनके अदब को उनकी जुबान में पब्लिश करें और हर जुबान से वाबस्ता जो है एक एक्सपर्ट उस एडिटोरियल बोर्ड का मेम्बर हो, क्योंकि अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है वो 72 जुबानों के अदब की जरखेजी के लिए इसी तरह ही काम कर सकती है। और इसी तरह फिर हमारी जो बैरून मुल्क उर्दू की बस्तियां हैं या पाकिस्तानियों की बस्तियां हैं वहां पर भी जो है वो हमने एक इंटरनेशनल पर्चा जो है लेकिन वो ऑनलाइन है, वो डिजिटलाइज होगा क्योंकि उसके अखराज हम उपयोग नहीं कर सकते ना हमारे पास इतनी फंडिंग है, इसीलिए हमने ये सोचा है कि उसको ऑनलाइन जो है लेकिन बैरून मुल्क जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं तो उनको जरूर जो है वो मौका मिलना चाहिए कि उनकी तहरीरें फ्रीक्वेंटली आपके पास जो है वो आनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं बलोचिस्तान में पंजाब के दोस्तों से भी मिलकर आया हूँ, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों से, आज़ाद कश्मीर के दोस्तों से, और फिर ये था कि अपने बड़ों के यहाँ भी जाना चाहिए, वो सारे ही अपने बड़े हैं लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर जो लोग जिन्होंने हमें पैट्रनाइज किया बैठे हुए हर बरेली में हमें गाइड किया डॉक्टर फातिमा हसन बोली है शौक साहब यहाँ पर, तो इन सब दोस्तों की रहनमाई लेना भी जरूरी है। कुछ दोस्तों से पहले मुलाकात हुई अभी है, फिर आगे सिलसिला है दो तीन जगहों पर, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमें जरूर जो है वो गाइड कीजिए कि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स आपके दम से है, आपकी वजह से खूबसूरत है, आपकी वजह से ये इदारा कायम है, वी आर हेयर टू सर्व, तो उस सर्विंग को किस तरह बेहतर किया जाए वो आप। मेरा ख्याल है कि यहाँ से सिलसिला शुरू करें या वहां से और फिर सबको बारी बारी जो है वो मतलब हम उनका इनपुट वहां से सामने से शुरू करें तो अपने तारुफ के साथ, क्योंकि कुछ दोस्त हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन सब लोग एक दूसरे को जो है वो प्लीज। मेरा नाम है और एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी जो आपने प्लान की है और जो रीजंस बताए इससे तो हम कोई क्या बताएं, आपकी रहनमाई में हम जो आपके मुंतखब प्रपोजल्स हैं उसके तकमील के लिए उसको मुकम्मल करने के लिए जितने आपको हमारे दोस्तों को या यहाँ का कोई सहकार कोई हेल्प कोई मदद हो तो वो हम करने के तैयार हैं। सबसे दूसरी बात यह कि 72 लैंग्वेज जो हैं वो कुछ लिखी जा रही होंगी, कुछ वोकल होंगी, किसी की तो तहरीर का कुछ मिलेगा, किसी का जो वोकल है तो वो उनको डिजिटलाइज कराए, उनको वोकल वो पढ़ें तो वो पाकिस्तान के लोग उसको ये सुने। और इसके अंदर जो जिस तरीके से हम लाइब्रेरी में यहाँ खड़े हैं तो ये किताबें बुनियादी तौर पर बोलती हैं और इनके अंदर जो तहरीर अल्फाज हैं
वो जज्बे फीलिंग ऐसा साथ मोटिवेट करते हैं, अल्फाज में बोलते हैं। तो ये आपका इदारा जो है वो पाकिस्तान का एक नया नैरेटिव, जो लिटररी जो अदब का नैरेटिव है इस कंट्री का, वो मेरा ख्याल है आपके आने से, जो आपने 72 लैंग्वेज की बात की, जो इंडिजीनियस लोग यहाँ की हैं, उनसे इस पाकिस्तान का नया गुलदस्ता, एक नया फ्लावर्स और एक नई महक, नई खुशबू, नया कलर डेवलप होगा, जो जगह बनाएगा आपका वो ही जो इंडिजीनियस लोग और जबान का जो है वो। इसलिए कि हम जब सब जबानें मिलेंगी तो शायद उर्दू भी एक नई महक के साथ दोबारा जी पड़ेगी। डॉक्टर इनायत हुसैन लगारी, शोभा सिंधी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जैसे जब डॉक्टर साहब कैंडी संभाली उसके बाद पहली बार आपका मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब से। हमें उम्मीद है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में बहुत अच्छा काम किया उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू में डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा काम रहा, उसके बाद अब डॉक्टर साहब कैंडी अफजाद में हैं, तो हम ये डॉक्टर साहब से उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद भी है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपने प्रपोजल बताए, बातें बताई, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। दो तीन चीज़ें, एक दो तजावीज़ जो मेरे जहन में आ रही हैं। सबसे पहली बात ये है कि अब अगर आपसे मुलाकात ना होती तो हमें पता नहीं चलता कि क्या प्रोग्राम है। कोई ब्रोशर या कोई ऐसी चीज़ कम से कम यूनिवर्सिटी या इदारों को भेजा जाना चाहिए, जो आपका खबरनामा होगा या कोई ऐसी चीज़ जो आप पब्लिश करते होंगे, वो कम से कम यूनिवर्सिटी के जो शोभाजात हैं, लिटरेरी शोभाजात, शोभा सिंधी या शोभा उर्दू है, जो लिटरेचर से जो इदारे और भी हैं, तो उनको ज़रूर भेजना चाहिए, तो ताकि हमें भी पता चल सके कि अकेडमी क्या काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ यूनिवर्सिटीज के शोबे प्रोग्राम करते हैं तो पहले ये होता था उनके साथ जो है अकेडमी अदबियात के रीजनल ऑफिस या जो है इस्लामाबाद, वो इतना उनके साथ कोई ख़ास टॉपिक नहीं करते थे। तो आपके आने के बाद उम्मीद है कि जब हम प्रोग्राम करेंगे शोबे में अरबी हवाले से, तो आपका इदारा ज़रूर हमारे साथ मिल के काम करके प्रोग्राम करेगा। हमें आपसे बहुत तौकात वाबस्ता है, इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ। बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नाम नसीब सोमरो है, सिंधी उर्दू शेर व अदब से मुतल्लिक हूँ। एक तर्जमे का कोई ट्रांसलेट ब्यूरो खोला जाए और उसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी से की जाए, और जितने भी मकानियत से आलमगीरियत तक जो रवाबित हैं, या आलमगीरियत से लेके मकानियत, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और उर्दू में तो हमारा जितना भी काम मतलब हो रहा है वो सिंधी में तर्जमा नहीं, मगर हम उर्दू खुद पढ़ सकते हैं, मतलब जो हमारे सिंधी में काम हो रहा है वो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। और इस तरह से अंग्रेजी भी एक लाजमी उर्दू की तरह एक हमारी दफ्तरी जबान है, तो उसमें जो तर्जमा कोई कराता है तो वो अपने शौक से और वो अपने फाइनेंस करके जो है ना मतलब हाईलाइट कर लेता है, मगर उसका एक्सपोजर वो नहीं है जिससे कोई पहचान हमारी बन पाए। तो इस तरह से जो है ना कॉपी राइट्स का भी जो मसला है, तो जितने भी मतलब राइटर्स जो देखते हैं अगर उनको कॉपी राइट्स के तहत उसका एजाज दिया जाए तो शायद हमारा तबका जो है राइटर्स तबका गरीब ना हो, मगर इस वक्त जो है ना वो इतना मतलब आइसोलेट हो चुका है कि मतलब कौन भी इतनी कोविड में आइसोलेट नहीं। वहीद मोहसन, शायर अदीब नसीर जो उनके हाईलाइट कयो, त असांजा जेके शायर अदीब आहिनि त उन्हनि जो जेको लिटरेचर शाया थिए थो त उहो एज़ाज़ी कापियुनि में विरिहाइजी वञे थो। असां मुंहिंजी इहा तजवीज़ आहे त अकादमी अदबियात इस्लामाबाद उन राइटर्स खां पंहिंजूं जेके आहिनि 100 घटि में घटि 100 कापियूं या 200 कापियूं ख़रीद करे, त घटि में घटि उन लेखक खे हिकिड़ो माना जेको आहे ऑक्सीजन मिलंदो, उनखे हिकिड़ो सहारो मिली पवंदो, त हुन जूं जेके कापियूं आहिनि उहे ॿियनि सूबनि में बि वेंदियूं, ऐं उन खां अलावा हुनजी जेको आहे कापियुनि जो विकिरो बि थींदो। हूअ ईअं थिए थो त हू राइटर जेका पंहिंजे तरह जेको पाण कमु कनि पिया, थींदो आहे सिंधी में शायरी कंदा आहियूं, हिंदी या बल्कि कंदा न आहियूं,
उर्दू में भी पी दिया सिरज की मदर टंग से गाई दिया तजवीजों जगह कहानियों सही तमाम घड़े था खुशी थी अड़ियम गालू अस में घटा अकेडमी अदगार में तमाम तमाम सुड़ियों गालू का एक बेहतरीन ये तरफ जो सो इदारो खुशी की गाल है मुख्तलिफ शाम तमाम घड़ी खुशी की गाल है विच विच गेन आई जी रही लाइब्रेरी है इतने प्रोवेंशल लेवल से एक घट में घट ऑडिटोरियम होना खेल डेढ़ सौ बस सौ माहौल बहरे हैं मीटिंग से या शायद अदालत कंटिन्यू देर तक आया हो तो इजीली जब को अच्छे हैं पंजे हिसाब से ना कि वे पंजे कैम रिजार कर रहे हैं शायद इतने हवाले जो हो या मुस्तो जो रो है गवर्नमेंट से सेक्रेटरी से अदर से थोड़ा घट वाले टी भी हाँ थोड़ा शौक जागो मेरा नाम इकबाल सहवानी है और उनके अदारे उनके बच्चे में हमेशा एक ये नारा लिखा जाता था सिंधी उर्दू साथ साथ उस मिशन को आगे बढ़ाने की इसलिए जरूरत है कि हम अब इस धरती का इंटेग्रल पार्ट तो उस चीज को सिंधी अदब जो है उसको उर्दू में आना चाहिए और मैं यहाँ ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि खादर और सुमरों ने एक ऐसी कोशिश की है कि इस इदारे को जो पहले सिर्फ नाम की हद तक था उसमें जान कराची और सिंध के अदीबों को एक जगह करके डाली है लेकिन आपकी चूँकि खाई जो कोशिशें और काविशें जो हैं वो हम खैरपुर यूनिवर्सिटी में देखते रहे हैं और आपने खैरपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के शोबे को न सिर्फ मुस्तकम किया बल्कि वहाँ इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस भी कराई है तो आपकी मौजूदगी अकेडमी में मैं समझता हूँ एक बड़ा खुशाइन इकदाम है और उस्तमानी साहब ने जिस तरह से फरमाया नसीब सुंदरों ने फरमाया तो यही चीज़ें इंडोर्स करने की हैं इसलिए कि वो चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको रिपीट करना मुनासिब नहीं लगता तो ये कि ये काबिल उस्तमानी साहब का जो इकदाम है ये मैं इसको मैं थोड़ा सा इंडोर्स करूँगा कि एकेडमी ऑफ लेटर्स का जिस तरह इस्लामाबाद में ऑडिटोरियम है तो इसी तरह यहाँ एक ऑडिटोरियम होना चाहिए और अदबी तकरीबात के लिए इधर उधर जो लॉन्चिंग सेरेमनीज के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं अदीब और उसे एक अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं लोग तो वो यहाँ फैसिलिटी उनको विदाउट एनी चार्जेस मिलनी चाहिए और बट मुझे लगता है सामने ही नहीं रहे सुनने वाले नहीं रह गए पढ़ने वाले नहीं रह गए अगर तो कुछ ऐसा सिलसिला हो गया जहां तक मैं एक आपको न्यूट्रल पर्सन के तौर पर भी अगर बताऊंगा तो या तो आप लोग अदब को ग्लैमर से जोड़ दीजिए या ग्लैमर स्कूल कॉलेज के लेवल पे आप यकीन जानिए बहुत लिमिटेड तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं जहां बच्चों को इस सब कोई अवेयरनेस नहीं अदब और शायरी एक मखसूस तबके की तरफ लगा दी गई है आप यकीन जानिए कहा जाता है तुम तो शायर हो ये अदीब ये बिल्कुल अलग है ये आम इंसान नहीं है मेरा दिल चाहता है कि अदब और शायरी हमारी नौजवान नस्ल में इस तरीके से आए तो वो इसको अडॉप्ट करें उससे भागे नहीं जो खासतौर पर आपने देखा होगा फेसबुक या उधर तक रह गया ना मीडिया की तरफ मैं चाह रही हूँ स्कूल कॉलेज के लेवल पे या इस तरह से इसको आप लोग हाईलाइट करें इस तरह बढ़ावा दीजिए कि लोग अदब से मोहब्बत करें दूसरी बात ये कि जो तंजीमात बन गई छोटी छोटी तंजीमें तो उन पर कुछ मेरा ख्याल होना चाहिए ऑब्जर्वेशन की क्यों बन रही है कौन से लोग बना रहे हैं जो कि एक आप यकीन कीजिए ये एक छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि अदब को तोड़ रहे हैं मैं समझ रही हूँ इसके लिए कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा ये तोड़ है तीसरी बात ये कि कादिर साहब को इतना मतलब सल्यूट है कि मैं जब से यहाँ अकेडमी आई हूँ इससे पहले मैं नहीं जानती थी सोनू साहब के आने के बाद हम अकेडमी आए लेकिन अकेडमी का माहौल पता है क्या है जिस तरह ब्यूटी पार्लर होते हैं ना लड़कियां काम सीखती और चली जाती सोनू साहब यही कर रहे हैं जूनियर्स आते हैं शायद यहाँ से बड़े होते हैं फिर अकेडमी को भूल जाते हैं मेरा एक सिर्फ ये सवाल है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वो शायद एकेडमी को याद नहीं करते और चौथा लास्ट पॉइंट
के बुक्स जिस तरह बाल साहब ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर बुक इनोग्रेशन ही किताबों के इजरा अकेडमी के थ्रू हो जाए या किताबें पब्लिश भी कराए जाए अकेडमी के थ्रू तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अकेडमी को रिकॉग्नाइज करें, कुछ एक अहमियत दी जाए, इनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना पावर दीजिए, बस ये बन गया। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर मेहरानी, बहुत अच्छी तजावीज़ आई हैं और इन पे थोड़ा सा इजाफा मैं करूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मेरी ख्वाहिश और मेरी तजवीज़ होगी कि इस तरह जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ से भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हों या सेमिनार्स हों या आइए गुफ्तगू करें का सिलसिला हो या कलाम शायर जुबान शायर के हिसाब से कोई ऑनलाइन इस तरह का सिलसिला हो, हफ्तावार हो, 15 रोज का हो या पर मंथ हो, जो भी हो, इस तरह का अगर सिलसिला हर अकेडमी के जो रीजनल ऑफिस से होगा तो मेरे ख्याल में ये मैसेज और दूर तक जाएगा। शुक्रिया जी। अमरी दादा, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उसका कोई खबरनामा या जो किताबें शायर होती हैं उसकी फहरिस्त अगर अदीबों शायरों को भी घरों पर मिल जाए और उनको भी मालूम हो कि ये किताबें शायर हो चुकी हैं और वो रियायती कीमत पर यहाँ से खरीद सके तो हमारा ख्याल है कि इसका दायरा भी बढ़ेगा और अगर गवर्नमेंट तक ऐसी कोई तजवीज़ पहुँच जाए कि अकेडमी जो भी किताब शायर करें पाकिस्तान की तमाम सरकारी लाइब्रेरियों को पाबंद कर दिया जाए कि वो दो दो उसकी कॉपियाँ खरीदेंगे तो इस तरह एक तो किताब भी जाएगी बाहर और लोग उसे पढ़ेंगे और हमारा ख्याल है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेके जो भी हम लोग काम करें वो लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि अब शायर अदीब खुद ही लिख रहे हैं खुद ही पढ़ रहे हैं तो आवाम तक उसका दायरा पहुंचना बहुत जरूरी जी। डॉक्टर साबिर साहब, बड़ी तबील मुलाकात है, वहाँ मैंने चेयरमैन साहब से बहुत शिकायत करा थी जो अदीबों शायरों की जानिब थी जिला दिया और कहा कि इस 40 सालों से मुख्तलिफ चेयरमैन आए हैं, नाम भी इनके बड़े बड़े थे लेकिन उन्होंने दौरे कराची के किए, हमारे दोस्त और मेहरबान हैं लेकिन अफसोस के अदीबों शायरों से जो एक रबते का सिलसिला है वो किसी चेयरमैन ने इस नुकते नज़र से नहीं रखा। आपको यहाँ बैठकर अंदाजा नहीं है कि कराची के अदीब और शायरों की क्या शिकायत है, क्या गिले है, क्या मुतालबात है। हमें खुशफहमी यह है, मेरा कोई 40 साल से ताल्लुक है अदलिया, हमें यह खुशफहमी है कि अदबियात अदीबों शायरों की तख्लीकात को कौमी और बैन अवी सतह पर आगे बढ़ाने के अलावा ऐसे कमजोर माशी तौर पर अदीबों शायरों की आखिरी वक्त में मुआवनत करेगी। मुआवनत का तरीका यह है उनकी किताब खरीद कर, उनकी किताब शाये करा कर या उनको कुछ नजराना या माहाना देकर। डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से मुझे बताया कि बहुत काम कर, बल्कि मैं पहले यह अच्छा हुआ डॉक्टर साहब कि आपके दौरे का फायदा ये हुआ था कि हमें से जितने लोग यहाँ बैठे उनके इल्म में अदबियात जो कोशिशें और काविशें कर रही हैं उसका अशरे अशीर भी नहीं मालूम। हम तो यहाँ बैठकर यही कहते हैं कि वो इस्लामाबाद है, एक मरकज है, चंद लोग चले जाते हैं, एक साजिशी राहदारी है, जहाँ जहाँ जिसकी प्यार है वो उससे फायदे उठा लेते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि माशाल्लाह आपके आने के बाद और आपके आने से पहले शायद कुछ काम पाइपलाइन में हो, अदबियात इतने वसी और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, इसकी तो बहुत ज़्यादा तशहीर करने से इसकी बहुत ज़रूरत है सोशल मीडिया के जरिए, अखबारी खबरों के जरिए। दूसरी अर्ज मेरी यह है कि हमारे दोस्तों ने मुतालबा किया है, एक बार साहब ने ज़रा ज़्यादा बड़ा मुतालबा कर दिया, वो तो आपको दो चार साल चाहिए कि नया बनाए। मैंने उस वक्त आपसे अर्ज किया था कि ये जो आपका हाल है या इधर छोटा सा एक हिस्सा है लान का, वो कम अज़ कम हमें मिल जाए, जो लोग अपनी तकरीबात को शाम करना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल है। आपने उस वक्त जदाबंदी का इजहार भी किया था कि हम ऐसा कर लें। तीसरी बात मैं आपसे ये कह दूँगा, अभी पूरी गुफ्तगू में मैं ज़रा सी वजाहत कर दूँ तो मुझे फील हुआ कि देखें डॉक्टर साहब, ये जो तंजीमें हैं ये सारी तंजीमें अपने अपने तौर पर काम करती हैं और बहुत फाल काम करती हैं। अदबियात भी अगर वही काम करेगा तो कौन सा तीर मारेगा। आप ज्यादा बड़ा काम यूं कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा बजट है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है
तो उससे आप ज्यादा काम कर रहे हैं, वरना ये मुशायरे और ये शामे और ये किताबों की रूनमाई और किताबों की इशात और किताबों की तबाद जो है ये तो लोग करते ही अपने तौर पर भी बाहर जाते हैं, वहाँ अपने अहबाब से और उनकी आमद पर इस्तेमाल होते हैं, यहाँ जो लोग आते हैं हम उनके इहतमाम में करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी सूबाई जबानों और कौमी जबानों को बजट के एतबार से नजरअंदाज करें। अगर बेहतर मुर्दा जबानों को जिंदा करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा बजट है तो बुनियादी जबान जिसे आप राबते की जबान कह लीजिए, कौमी जबान कह लीजिए, अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक सरकारी जबान कह लीजिए, इन और सूबाई जबानों के बारे में आपके पास बजट उसी तनासुब से मख्तस होगा तो आपकी ये कोशिशें बहुत बेहतरीन है। इन बेहतर जबानों को भी जिंदा रहना चाहिए, इनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी जबानें हैं आप जिससे आपका पूरा माशरा आगे जाकर मजीद तश्कील पाएगा उन पर आप किस तरह सोच रहे हैं। तीसरी बात मेरी यह है कि इस पूरे काम में आप बराए मेहरबानी ये देखिए कि किन लिखने वालों को आप नवाज रहे हैं या उनको उनका हक समझ कर हक अदा कर रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तानी बयानियां शामिल है? हम तो ब्रिटिश बयानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में हमारी तालीमात हो रही है, हमारा मुस्तकबिल तो बहुत खराब है, जबानें इतनी जल्दी मरती थी कि बेहतर जबानों की भी तहकीक कर ली कि वो जिंदा है, तो सिंधी उर्दू पंजाबी को क्या खतरा है, ये तो हजार साल जिंदा रहे, इसके तो करोड़ों बोलने वाले हैं, आप 10-10 हजार की बात कर रहे हैं, मगर उन जबानों के जरिए उस अदब के जरिए उन रिसालों के जरिए आप पाकिस्तानी बयानियों को आगे कैसे ले जा रहे हैं? हमारे इलाकाई बड़े बड़े शोराए कराम जो मुख्तलिफ जबानों पे जो 5-5 और 7-7 साल हो गए आज भी जिंदा है, उनके बारे में हम क्या काम कर रहे हैं? बात इसमें सूबाई और कौमी की नहीं है, मैं उन बड़ी जबानों के लिए चाहता हूँ कि आप मकसद करें ज्यादा बजट, उन बड़ी जबानों को परवान चढ़ाएं। और हुजूर 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के अदीब और शायरों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस, बेशक आप इस्लामाबाद न कराएं, कराची कराएं और पूरे सूबे के लोगों को बुलाएं, साल में एक बार 20-20, 30-30, 40-40 आदमी मुख्तलिफ सूबों से बुलाकर अगर वहां 2-3 रोज की, अब तो ये प्राइवेट इदारे करा रहे हैं, आप अगर ऐसा करा लें तो एक दूसरे से हम वाकिफ होंगे, जैसे आज हमें माशाल्लाह नसीब सोमर वगैरह तो पुराने आदमी है सारे लोग, लेकिन फिर भी अच्छा लगा ना इनसे मुलाकात होकर, तो ऐसे को रबते का जरिया बनाए। और आखिरी गुजारिश, हुजूर अदब सिर्फ मुशायरे का नाम नहीं, 90% तमाम तंजीमें तमाम लोग आमद और रफ्त वहां से आने वाला यहाँ से जाने वाला, इसकी सारी बुनियाद तो आपने फकत गजल पर रख दी, अदब इसके अलावा भी तो कोई चीज है, उसके बारे में कुछ काम करें, उसके बारे में कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हर हफ्ते अगर मुशायरा होता है 35 शायर पढ़ाते और कहते हैं 3-4 मिनट में बात मुकम्मल, भाई एक दफा एक हफ्ते आप मुशायरा कराएं, एक हफ्ते आप नसरी नफीफ कराएं, शाम अफसाना कराएं, कोई तनकीदी कराएं, ताकि अदब जो है वो लंगड़ा दबा ना चले। अदब फकत शायरी का नाम नहीं है, अदब में तो बहुत असनाफ है, माजरत के साथ कि मैंने बहुत वक्त लिया, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, नंबर एक पाकिस्तानी बयानियों को जोड़े कौमी और सूबाई जबानों के तमाम तरीकों, एक बार, नंबर दो शायरी के साथ साथ नसर निगारी तनकीद इस पर भी तवज्जो दें, पहुंच गए हम और आप डार के एजिस से गुजर रहे हैं, 600 बरस जो है वो यूरोप फंसा रहा है, हमारी बला से आप 1200 बरस फंसे नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, बात ये हो रही है कि पाकिस्तानी नैरेटिव के बगैर, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए अकेडमी ऑफ लेटर्स की कि वो पाकिस्तानी नैरेटिव की तरफ जाए, और पाकिस्तानी नैरेटिव्स की तरफ गए तो समझ लें सबसे बड़ी डिफेंस लाइन होगी पाकिस्तान, पाकिस्तानी अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है, वजह उसकी है कि अगर नैरेटिव ही नहीं होगा, और अब हम कर क्या रहे हैं, तालीम याफ्ता लोग कम होते जा रहे हैं, डिग्री याफ्ता लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में यानी सबसे बड़ा फरीजा अकेडमी का जो है वो पाकिस्तानी नैरेटिव, इस पर आप चाहें तो सेमिनार रखें, इस पर चाहें तो ये सिर्फ ये सेमिनार नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो तो अगर ना भी गए तो पाकिस्तानी हैं,
लेकिन इस पर सेमिनार नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी अदब, पाकिस्तानी अदब की जब बात आप करते हैं तो पाकिस्तान के इलाकों में लिखा जाने वाले अदब की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नैरेटिव की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सकाफती मदाहिर है मौजूद या नहीं है उसके अंदर, हम ये बात देखना चाहते हैं। और अगर ये हमारे अदब से जुड़े हुए मामलात में सकाफत आने शुरू हो जाएगी तो क्या फिर कारी भाग जाएगा क्या? कारी तो यानी हमारा अदब जो है माशरे का तर्जुमान ही नहीं है, इसलिए कारी नजर नहीं आ रहा है। तो ये इस पर खसूसी तवज्जा अकेडमी की होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जब आपसे मुलाकात हुई तो खैरपुर के एक छोटे से शहर में दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी। वो दिन था और आज का दिन है जब से मैं आपका मौत यहाँ। अदब के हवाले से दो बातें बहुत अहम हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब मैं दबिस्तान कराची में डॉक्टरेट कर रहा था तो मैं यानी छोटे छोटे इलाके में औरंगी कोरंगी दांडी कस्बा ये कराची के और फिर इंजीनियर सिंध में भी जाना पड़ा, तो मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतकाल फरमा चुके हैं, उनके दस्ते नहीं है और उनकी किताबें खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने जो काम किया था वो कहीं पता नहीं लग रहा था, वो नसरी हो या शेरी अदा। जब ये चीजें मैंने देखी और एक हामिद रकवी का नाम मुझे याद आता है जिनकी 200 गजलें इस्लामाबाद रेडियो पे मौजूद हैं और इतना बड़ा शायर रिजविया वन में रहता है कराची में, उन्हें कोई नहीं जानता, उनका किताब छपी। जब मैंने बड़ी मुश्किल से उनका एड्रेस मालूम किया और अपने तहकीकी मकाले में लेके उनको आया तो मालूम ये हुआ कि एक उनके पोते साहब थे, वो एक डिब्बा लाए कि दादा का ये है कुछ है लकड़ी का है ये देखिए। जब मैंने खोला तो इतना अफसोस हुआ कि वो पूरा दीवान उन्होंने अपने हाथ से लिखा मगर वो कागज जिस तरह फटता है यानी कागज नहीं था वो जरा सा उठाओ तो फटता था, मैंने नीचे कागज लगा के इस तरीके से मैं फोटो कॉपी कराई और मुझे इतना अफसोस हुआ कि ऐसे लोग औरंगी टाउन में 5,000 लोग सुखोते ढाका पे 3 दिन तक मशायरा होता रहा, इतने लोग कहने वाले आज कौन जाता है। अगर ये अकेडमी अध्ययन पाकिस्तान कोई ऐसे यानी बनाए यहाँ पे एक ऐसा लोगों की टीम बनाए जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग हो जिनकी जिम्मेदारी हो कि अपने इलाके के अहले कलम को बताए कि कौन कौन से थे या जहां तक मालूम हो सके वहां तक ले। 1947 से बाद जितने भी लोग थे इंटीरियर सिंध में जो छोटे छोटे कस्बे हैं देखे अच्छे अच्छे लोग, और मैंने एक नौजवानों पे काम किया था तो बलोचिस्तान सिंध सरहद पूरे पूरे पाकिस्तान के वो जो जिनकी उम्र 16 साल से कम थी, तो मैंने ये देखा कि इतने खूबसूरत कलाम उनका था, इतनी खूबसूरत शायरी थी और उन्हें कोई भी नहीं जानता। आज आज उसको 20 साल हो गए इस काम को की ओर। तो ऐसी चीजें जो है एक ये बात, दूसरी बात और वो किताबों का हवाला है। अकेडमी अध्ययन पाकिस्तान देखे आर्ट्स काउंसिल आप समझते थे गए मगर उससे तो बिल्कुल ही नुकसान पहुंचा दिया पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ अकेडमी अध्ययन पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के अदीबों शायरों को आदों को यकजा करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर आप मुख्तलिफ जगह किताबें छपती हैं, मैं लाहौर में छपती हूँ, मैं दोस्त भेज देते हैं इस्लामाबाद से भेज देते हैं मैं, मगर हर एक को तो नहीं मिलती वो किताबें। तो तमाम किताबें जहां जहां छप रही हैं उनको कोई इस तरीके से कोई ऐसे आप काम करें आपके चारों बड़े कराची क्वेटा है पिशावर है और ये सब पूरे तो ये वहां पे एक जगह उन लोगों की जिम्मेदारी लगाए हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और लोग शामिल हो जाएंगे कि वो बताएंगे कि यहाँ ये लोग हैं इनकी किताबें छप रही हैं ये ऐसे कलम मौजूद है। और एक तीसरी बात बहुत अहम है वो है रिसाले फनून और आपसी और ये मोहता बैठी इतना अच्छा रिसाला इन्होंने निकाला था वो सिपाही रिसाला वो इतना कमाल का रिसाला था 6 शहर उसके आए मेरे पास मौजूद है उसके बाद बंद हो गया। मैंने कैकेशा सिपाही रिसाला निकाला वो मैं चलाता रहा 2 साल तक हर एक का नंबर निकाला फरूखी नंबर निकाला मोहसिन भोपाल मुख्तलिफ नंबर निकाले आखिर में मैं फंडिंग फंड की वजह से मैंने वो खत्म कर। तो एक ऐसा सिलसिला हो जैसे उर्दू में बनता तो आप अकेदमी अध्ययन पाकिस्तान पैसे देती थी और वो आते थे और वो हम खर्च करते थे किताबों पर लिख देते थे अभी भी लिखा है किताबों पर कि ये अकेदमी अध्ययन पाकिस्तान ने फंड दिया तो
किताबें छपी, तो इस तरीके से कोई ऐसा सिलसिला मजबूत होना चाहिए जैसे भावेश बात की, जो बहुत अच्छा लगा रजवान सिद्दीक साहब ने बात की, वो बहुत अहम बात है। हमें सबको पूरे पाकिस्तानी अदब जबान को सबको, ये नहीं कि उर्दू और अंग्रेजी या मतलब छोटी छोटी जबानों के भी अहम शायर बहुत से, एक बुजुर्ग शायर मुझे मिले वो गुजराती में लिख रहे थे उर्दू शायरी, और उर्दू शायरी सुना रहे थे गुजराती में लिख रहे थे, और गुजराती का कमाल का शायर है जोश ने जिसपे लिखा आज उसे कोई नहीं जानता। ये चीजें जो है ये अकेडमी अगर संभाले तो हम लोग अकेडमी के साथ है, आपके साथ है, आप ऐसे चेयरमैन जो काम कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी हुई है। हम यकीन रखें कि हर आदमी यहाँ इतना अच्छा काम कर रहा है, ये सोमरो साहब जिस तरीके से यहाँ चला रहे इससे पहले इतना अच्छा नहीं होता था। हर हफ्ते कम से कम हम मिल तो रहे, हम जो देही और शहरी इलाके के लोग यहाँ के मिल तो रहे आपस में, वो देरी हो रहा था वो हो गया, तो इसी तरीके से आप बेहतर तौर पे इस काम को अगर आगे बढ़ाएं तो हमें बड़ी खुशी। जब हमारे पास वसाइल हैं तो अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? नंबर दो, आपकी मैंने कोशिश देखी कि जो शायर माजूर है वो हमें लिखे और हम अपनी चेयर देंगे, आपके पास डेटा नहीं है, ये इतनी बड़बड़ी तो अजीब और गरीब किस्म की शर्मिंदगी वाली बात है कि आप ये पोस्ट लगाएं फिर वो उसको आपको इनबॉक्स करें या नाम लिखें, वहां आपके पास डेटा मौजूद होना चाहिए कि यहाँ कौन किस हाल में है अजीब शायर। और दूसरा ये कि आप ये कार्ड एक सिस्टम करें जिसमें चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, उनके आप कार्ड बना के दें जो यहाँ अजीब शायर हैं उनके कार्ड। पहले भी हमने कासिम बोगियो साहब को कहा था कि जब प्रेस कलम में हर सतह पे उन्हें प्लॉट दिए जाते हैं सहाफियों को, तो अजीबों ने क्या जुर्म किया, आप उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? नंबर तीन के जब इसकी जो मीटिंग होती है सिद्धार्थी वार्ड की, आप लोग वहां किस तरह मौजूद होते हैं कि एक नॉन जर्मन आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता किसी भी शोबे से उसे आप सिद्धार्थी वार्ड दे देते हैं, क्या वहां एहतजाज नहीं करते, इसकी क्या वजह है? जरा इसकी ताली बजाय किसी सरकारी सरपरस्ती में नहीं लिखते हैं, कोई राइटर जो है सरकारी सरपरस्ती में नहीं लिखता, वो अपनी जाती हैसियत में लिखता है, सरकार उसे कुछ दे या नहीं। अब ये देखें कि जो आपने बातें की है उसमें मेरी तजावीज ये है, पहले तो ये है कि आपकी जितनी मजबूत है वो न्यूज प्रिंट पे होनी चाहिए, आप महंगे कागज पे छापते हैं, पूरी दुनिया में नावल न्यूज प्रिंट पे छापते, उसको न्यूज प्रिंट पे छापे पैसे वहां से बचाए। फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ सूबे से भी अज्ञात का पर्चा निकलेगा, तो वो पर्चा कौन निकालेगा? यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो कौन करेगा? यहाँ कोई कमेटी सीनियर राइटर्स की होनी चाहिए, वो चाक आउट करके दे कि ये प्रोग्राम होने चाहिए, इन लोगों को बुलाना चाहिए, तो इसके बगैर नहीं हो सकता। उस रसाले के लिए भी एक मुझसे दायरत कोई होनी चाहिए जो यहाँ के सीनियर राइटर्स की, तभी ये मुमकिन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपके पास पैसे अगर नहीं है तो आप अपने सूबों की जो हुकूमतें हैं उनसे कहें कि आप प्राइवेट इदारों को पैसे जो दे रहे हैं वो अकेडमी ऑफ लेटर्स को दें, और अकेडमी ऑफ लेटर्स को दें और वो फिर मसावी तौर पर सबके सारे लोगों के लिए हो। वहां जब दूसरे इदारों को देते हैं प्राइवेट को, तो वो जो ग्रुप हावी होता है बस अपने लोगों पर खर्च करता है। अकेडमी का अगर होगा यहाँ एक हाल होगा मुतबादल, जब तक आपके पास चीज नहीं है, आप अगर कहते हैं कि ये तकलीफ जो है ये सही नहीं है, मुशारा सही नहीं है, आप मुतवाजी अच्छा करके दिखाओ, तो अच्छा दिखाने के लिए आपके पास हाल भी होना चाहिए, आपको कहा गया है कि यहाँ जगह देनी चाहिए, उनको सहूलत जो तकलीफात आपने ऑनलाइन की है वो यहाँ भी तो हो सकती है। ये बहुत अच्छी अच्छा किताब है और ये इस सतह पे अकेडमी को मजीद आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें मेरी तजवीज ये है कि जब रब्ता हो ही गया है तो इनसे कुछ ऐसे MOUs साइन किए जाए कि जब बाहर कॉन्फ्रेंसें हों तो हम लोगों को वीजे का प्रॉब्लम ना हो। कई मर्तबा हमें बड़े अच्छे इनविटेशंस आते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते, ये वीजा हासिल नहीं कर पाते, और हर एक के बस में भी वीजा हासिल करना नहीं है, फीसें भी बहुत ज्यादा है। तो
ऐसे राइटर्स जिनकी बाहर डिमांड है उनके वीजे के मसाइल को एकेडमी खुद अपने हाथ में ले ले और एम्बेसी से वीजा हासिल करके उन्हें बाहर भेजे। इसी तरह जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी पाकिस्तानी वीजे में फैसिलिटेट एकेडमी करे। कई मरतबा ये यूं हुआ कि इंडिया से आने वालों के लिए जब मैं अंजुमन में थी तो अंजुमन से एक लेटर लिख देती थी कि ये जेन्युइन अदीब है और इनको वीजा दे दिया जाए। मैंने लंदन भी लिखा, मैंने इंडिया भी लिखा और उन्हें मिल गया वीजा। तो एकेडमी अगर इस तरह के काम करे। और दूसरे पोस्टल में, किताबों के पोस्ट और रसाई के पोस्ट में भी एकेडमी एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खुश साहब, चेयरमैन अकादमी अदबियात मौजूद खवातीन और अदलाब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हालांकि बात पुरानी हो चुकी है लेकिन अच्छी बात को दोहराना भी अच्छी बात है। लिख करके भेजे डॉक्टर साहब ने कुछ जो है वो नोट कर लिया है लेकिन लिख करके भेजे तो अच्छी बात है। असल बात यह है कि मेरे दोस्त मौजूद दोस्त ने ये सही बात कही कि अदब सिर्फ मुशायरा नहीं, लेकिन मुशायरा भी हमारी एक तहजीबी रिवायत है। उससे जो नए शोरा हैं उनको मौका मिलता है उस्ताद शोरा से मुलाकात का और इस्लाह होती है और उसमें समझे कि उनकी तरबियत हो जाती है। और ये हमारी पुरानी रिवायत है, पार्टीशन से पहले जो मुशायरे होते थे उसमें ये बात थी कि उर्दू सिंधी मुश्तर का मुशायरे होते थे और वही मिसरा जो सिंधी में होती थी उसका मंजूम उर्दू तर्जमा होता था। मसलन एक मुशायरा था दानका में कि मेरी दुनिया लुट रही थी मैं मगर खामोश था, और सिंधी में मौजी दुनिया हम लुटी थे मां मगर खामोश। तो ये जो मवाद है सारा डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा तो ये इकट्ठा करना चाहिए कि किसी अखबार या रिसाले में यकीनन होगा। और दूसरी बात ये है कि मेल मिलाप जरूरी है। मुझे पीर उस्माम दीन राष्ट्रीय याद आ रहे हैं। पीर उस्माम दीन राष्ट्रीय एक मरकज थे उर्दू और सिंधी अदीबों को जमा करने। बुनियादी चीज तो यही थी कि आप लोगों से रहनुमाई ली जाए और उस रहनमाई के नतीजे में जो आई हैं वो मैंने अपनी जगह पर नोट भी करनी है। कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोसेस में हैं जैसे जिनको हम आगे चला रहे हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई ना, बड़ी खूबसूरत बात की आपने भी, लेकिन वही मौसम ने इससे पहले इसके मौजूद बात की थी। सवेरे हम बैठे हुए थे जैसे रेखा का अभी आपने मिसाल दी ना, हमारे पास रेखता से ज्यादा मवाद मौजूद है। हम प्रॉब्लम कहाँ पे है जहाँ से मतलब हमें कोई इशू नहीं है, वो साफ पे रखा हुआ है। रेखता से ज्यादा यानी कि 25,000 बुक ज्यादा अभी हमारी कैलकुलेशन जो है वो रेखता से ज्यादा, और ये मैंने नहीं किया, हमारे दोस्तों ने पहले काम करके रखा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब उनसे पूछा गया कि इसको अपलोड कर लिया जाए, मैंने कहा ये लेकिन का काम है पूछ क्यों रहे, दोनों ने कहा सर नहीं थोड़ा सा सोच लें आप इस पे क्योंकि एक दो जाविया हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और उससे फिर हम लोग थोड़े से सुस्त पड़ गए। और जाविया क्या था आपसे भी शेयर किया लेता हूँ। रेखता एक प्राइवेट इदारा है, तो हमारे यहाँ मैंने सवेरे भी मिसाल दी कि इंतजार हुसैन साहब का एक तस्नीफ जो है वो मिस्र की एक यूनिवर्सिटी उसको तर्जुमा करके अरबी में अपने निसाब में शामिल करना चाहती है। उन्होंने खत भेजा एम्बेसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें खत भेजा कि जनाब इनको इजाजत दी जाए कि ये किताब हमने तो नहीं छापी, किताब संगीत मील वालों ने छापी थी, था ये रिलेटिव से रब्ता किया जाए। अब इंतजार हुसैन साहब के गुस्सा में कोई रहा नहीं, एक उनकी बहन और एक जो है वो उनकी भांजी है जो कि वो रूसियत में वहां पर, उनके आपस में इख्तलाफात बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, उनके पहले ही अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और ये पैसों का मामला है, मुझे नहीं लगता है वो मानेंगे, लेकिन मैं बात करके देखता हूँ, हो न सका। फिर जिस इदारे ने उस किताब को छापा था तो हमने कहा कि चलो ठीक है राय की तो हुकूक उसी के पास ही किसी हद तक होंगे तो हम उनसे इजाजत लेके जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। तो जब उस इदारे से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन अब हमारी रियालिटी फिर कहाँ होगी, कितना परसेंट हमें दिया जाएगा। तो हमने
बीच में से चैनल से निकल आए और हमने बराह रास्त कहा कि ये इदारा है और ये मिस्र का जो इदारा है वो खुद से रब्ता करे। गवर्नमेंट का इदारा जहाँ बीच में आ जाता है ना, हम अगर उन बुक्स को अपलोड करते हैं, कोई भी आथर उसके ये क्लेम कर देता है कि आपने मेरी ये किताब अपनी वेबसाइट पे शो की हुई है, इसकी रॉयल्टी बनती है जो आपको हमें देनी चाहिए। अब हमें बताइए कि इतनी रॉयल्टी बनती है, जो जितना क्लेम करेगा हम उसको छोड़ नहीं सकते और लोग अदालतों में चले जाएंगे, हमारी वेबसाइट तो एकदम फौरन बंद हो जाएगी, लेकिन यह है कि उसके बाद हमें भुगतना पड़ेगा अदालतों को, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमें ये था कि कुछ किताबें हम शायद जो 50 ईयर्स ज्यादा जिनको गुजर चुका है वो रॉयल्टी से निकल जाती है, तो हम उनको जो है वो कर लें। अब रेख्ता ने वहां पे ये किया, आपने अगर उनकी वेबसाइट पे देखा हो तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी किताब जो है वो इस वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए तो आप हमें खत लिखते हैं। अच्छा, वो जैसे ही खत लिखते हैं आप तो वो किताब जो है ना वहां से हटा देते हैं। कौन बदबख्त चाहेगा कि किताब वहां से हटे, चाहेगा किताब पड़ी रहे। अब हमारे यहाँ मामला उलट होगा ना, हम अगर ये लिख भी दें वो कहेगा कि किताब तो अब आज आप हटा रहे हैं ना, कल ये शाम को किताब अपलोड हुई, इसको 500 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसका पैसा तो चाहिए ना मुझे। सो दीज आर द एक्चुअली प्रॉब्लम्स जिनको फेस कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी एडवांसेस है इसकी। कोई कानूनी मतलब ये नहीं है कि खामोश हो गए हैं, उसके कोई कानूनी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए और किस तरह जो है। ऑडिटोरियम की बात हुई, यकीनन जो है वो आपको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये तो सुमरो साहब का दफ्तर और लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम होना चाहिए। और इस पे मैं पिछली दफा जब आया था आर्ट्स काउंसिल में तो सुमरो साहब से बात हुई थी, चला जल्दी इस इशू को जो है वो हम इसी बिल्डिंग में फिलहाल वक्ती तौर पर। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर से भी मुलाकात हो, चीफ मिनिस्टर से बाहर है, गवर्नर साहब का शेड्यूल देखते हैं कि क्या बनता है। तो हम इस कोशिश में भी हैं कि अकेडमी के लिए भी अपनी जमीन देकर वहाँ पे पीसी वन बना के जो है वो जमीन भी होनी चाहिए हमारे पास और बिल्डिंग अपनी बननी भी चाहिए। तो वो देखते हैं, वो लॉन्ग रन जो है वो एक इशू है जो अगर एड्रेस होगा। लेकिन वक्ती तौर पर जिस तरह ये अकेडमी यहाँ पे इस दफ्तर में है तो यहाँ पे हाल और उसका अरेंजमेंट जो है वो जरूर होना चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है ना। अच्छा, आप अच्छा के सिंधी से उर्दू और उर्दू से सिंधी, इकबाल सहवानी साहब ने कहा, मेरी अपनी PhD का मौजूद उर्दू से सिंधी अदबी रवाबित रहा डॉक्टर नजर इस्लाम और डॉक्टर तनवीर अब्बासी साहब की सरपरस्ती में। तो अब ये जैसे बात हुई कि लोग जो है वो अदब से मोहब्बत करें उनके अंदर जो है, आप सही कह रहे हैं, किसी जमाने में हम लोग स्कूल्स में जब होते 14 अगस्त के दिन के लिए चार चार पाँच पाँच दिन एक एक हफ्ता पहले तैयारी होती थी कि भाई उसमें टेबलो करना है, उसमें तकरीर करनी है, उसमें मजमून नवीसी होगी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल गई, लेकिन अकेडमी में हमने ये काम जाते ही किया। फर्स्ट 14 अगस्त जो अभी पिछले दिनों गुजरी उस पर आपने देखा कि हमने ऑनलाइन ही सही लेकिन हफ्ते जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया और पूरा वीक जो है वो यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो अदब जिसमें पाकिस्तानियत मौजूद है उस पर मुबासे होते रहे और अंडर रिकॉर्ड है वो चीज़ें जो है वो उसमें रही। अब बुक लॉन्चिंग और जो जिस तरह जो है वो बुक पब्लिशिंग के हवाले से बात हुई, यकीनन इस दायरे को बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवेरे भी मैंने बात की थी कि अब हम चाह रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ किताबें, अब हम ये सहूलत देने जा रहे हैं कि आप अपना जो है ना वो वेबसाइट्स डेवलप करें और वहाँ पे किताबें जो है ना ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हो सकती हैं। ये किताब भी चलती रहे, ये किताब कल्चर जो है इसको फरोग देना चाहिए। लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रेंकली, हो सकता है आप लोगों को ये बात कड़वी लगे, लेकिन जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ उसमें आने वाले 5-8 सालों में जो है ना वो करेंसी बिल्कुल ही कागज की खत्म होने जा रही है, अब प्लास्टिक करेंसी आ रही है, मैं वही अर्ज कर। तो इसी तरह बुक भी जो है ना वो डिजिटलाइज होने जा रही है, हमारी जनरेशन इसको डाइजेस्ट नहीं कर रही, ये मतलब हम इसको कड़वा समझ रहे हैं कि आप कहते हैं ये तो किताब खत्म करने के पीछे पड़े, ऐसी नहीं, किताब खत्म नहीं हुई, किताब शेप बदल रही है। ऐसे ही जैसे मैं तख्ती पे पढ़ा था, जैसे मैंने जो है ना वो स्लेट और कलम पे लिखा था, कॉपी नहीं थी, अब जो है वो आप कंप्यूटर पे और मोबाइल पे जो है वो ये भी छोटे कंप्यूटर के अंदर आप लिख रहे हैं, तो बुक अपनी शेप बदल रही है, उसको हमें आहिस्ता आहिस्ता कबूल करना पड़ेगा। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है ना वो किताबें जाएं, साथ साथ ये किताबें भी जो हों उसके लिए हम जो है वो बुनियादी जो है वो काम होना चाहिए और उस पर हम कर भी रहे हैं। और आज भी हमारी जो डिफरेंट बॉडीज से बात हुई वहाँ पे भी हमने यही गुजारिश की कि अब तेजी से, क्योंकि अब कॉम्पीट करने का यही एक तरीका है ना कि हम जिद्दत को कबूल करें और उसको आगे ले जाए। मुश्तरका मुशायरे बहुत अच्छी तजवीज़ें होनी चाहिए, पहले हुआ करते थे जैसे अभी शौक साहब ने कहा कि वो चीज़ें होती हैं, जुबानों को करीब लाया जाए, न्यू आइडिया उसमें जो है एक्चुअली हमारी पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, मैं सवेरे भी जुबानों के हवाले से अगर गौर नहीं हुआ,
एक दफा पहले भी अखबार में इस तरह सुर्खी लगी कि डॉक्टर साहब जो है ना वो जुबानों के बचाने के पीछे फिर रुके, मैं जुबानों के पीछे जो अदब है। एक साहब ने लिखा कि जनाब ये तो दस्तानदाजी कर रहे हैं, आपका जुबानों से क्या जाए, आप तो अदब के वारिस हैं, यहाँ कहाँ जो है वो आप जुबानें जो अदब उनमें समोया हुआ है। एक्चुअली जब जुबान सर्वाइव करेगी तो अदब खुद बखुद उसका जो है वो सर्वाइव करेगा और उसकी सर्वाइव। तो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है वो तमाम 72 जुबानें जो है उनके सर्वाइवल के लिए जो है वो अपनी कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि हमें तेजी से जैसे अभी उर्दू की बात हुई या जो हमारी दीगर जुबानें जिनमें हम तकरीबन 6 जुबानों में जो है वो 7 जुबानों में अवार्ड भी देते हैं, उसमें उन्हीं पे फोकस जरूर होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वो बाकी जो विरसा हमारा है आने वाले दौर में, आप देखें माता चेचक से हम कहते थे, आज भी नासा ने जो है वो उनके अपने म्यूजियम में वो जरासीम जिंदा है। वो इसलिए रखा है कि ये दुनिया की एक स्पीशी है, उसको उन्होंने रखा ना कि वो कितना मौलिक जो है वो मर्ज था। तो इसी तरह ये तो हमारा तशखुस है, इनके पीछे जो हमारा कल्चर है, इनके पीछे जो हमारी लोरियां हैं, माओ ने जिन बच्चों को दी हैं, तो इन सारी चीजों को सर्वाइवल देना या उनको महफूज करना भी तो अकेडमी की जिम्मेदारी है, उस अदब को खासतौर पर। तो उस अद तक जो है वो हमें अच्छा खबरनामे के हवाले से बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। और उसको अब मसला ये है, मैं जब पहुंचा हूँ अकेडमी में सारे लोग रिटायर होने जा रहे हैं, कोई 6 महीने बाद रिटायर हो रहा है, कोई 6 महीने पहले रिटायर हो चुका है, कोई जो है वो तो अब काम करने की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए जो यंग ब्लड चाहिए उसके लिए एडवर्टाइज आई है। एंड आई होप दुआ कीजिए कि अच्छी जनरेशन जो है वो उसमें आ जाए। सीनियर लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये चीजें सारी एक्टिव करने के लिए हमें जो है वो, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो डिजिटलाइजेशन से इतनी मानुसियत नहीं रखते, तो जाहिर है कि हमें यंग ब्लड जो है वो जब आएगा। अच्छा, बुक्स की खरीदारी और आवाम तक रसाई द बेस्ट वे यही है। देखें, मैं सवे शाहबाज साहब को ये बता रहा था कि बलूचिस्तान के सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, हम किसी क्वेटा में जो प्लाट है हमारा उस पर अकेडमी के प्लाट पर कोई कब्जा है वो सुनाने के लिए उनसे दरख्वास्त की मैंने। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि लाइब्रेरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने। जाएगा कौन वहां पे आप, क्योंकि अकेडमी आप लेटर से आप बताए। मैंने उसे कहा कि आपको किसने कहा कि लोग लाइब्रेरियों में नहीं जा रहे, आप लाइब्रेरियां जो लोगों का मयार है उसके मुताबिक तो बनाए ना। इसी तरह सीनियर्स जो है हमारे, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एम्बेसीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है जिससे जो न्यू विंडोज ओपन हुई है, ये सीनियर राइटर्स से मिलकर जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल्स डेलीगेशन की जो होना है सिलसिला, तो इस सिलसिले में भी अब ये कोविड हमारी जान छोड़े तो चीजें आसान हो। कोई भी प्लान आप लेकर जाते हैं तो वो जाहिर है कि सूबाई लेवल पर कॉन्फ्रेंस है, हमने प्लान की हुई है, चीजें हो चुकी होती है। इस पर वो 5 प्रोजेक्ट जो है वो हमने दिए थे, जिसपे मैडम ने अभी कहा कि हर सूबे में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लिटरेचर के लोग आपस में मिलने चाहिए। तो वो प्लान जो है वो हमारा मौजूद है, लेकिन अब ये है कि ये जैसे ही मामला होते हैं, 3 गवर्नर से मैं मिलकर आया हूँ और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की हामी भरी कि जनाब खुश साहब आप करें, हम जितने हमारे अख्तियार आते हैं हम आपके साथ मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी यही सपोर्ट होगी और हम यहाँ पे भी इस चीज़ को कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज दी आपने कि दीगर अस्नाफ को जो है ना वो जरूर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और जिस तरह मुशायरे होते हैं तो हमें इस कल्चर को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कहानी कॉन्फ्रेंस का अभी मिसाल दी हमारे प्रिंसिपल साहब ने, तो इसी तरह यहाँ पर भी अफसाने और शायरी के हवाले से, शायरी के मुख्तलिफ असनाफ के हवाले से वो नशस्तें जो है वो जरूर होनी चाहिए और वो यकीनन हमारे प्लान का हिस्सा बन जाएंगी ना। अच्छा, इसके अलावा जो जावेद मंजर साहब ने बात की दबस्तान कराची, जो आपकी PhD का मौजू भी रहा, क्योंकि वो चीज़ मुझे देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा काम आपने किया और उन लोगों को भी जाहिर है कि खोजने के लिए ये काम यूनिवर्सिटीज बेसिकली करें। और मैं अभी एक MOU जो है ना वो HEC से साइन करने जा रहा हूँ, और हायर एजुकेशन कमीशन ने जिसमें दो चीज़ें पहले मरहले में तो उन्होंने हमें थोड़ा सा रोक दिया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी, मिनिस्टर साहब भी इस बात पर एग्री हो गए थे, उन्होंने खत भी रिकमेंड कर दिया, वो HEC की तरफ चला भी गया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि भाई जो अदीबों के स्कॉलर्स के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप जो है ना जो अंदरून मुल्क और बाहरून मुल्क जो स्कॉलर उसमें उनका एक कोटा रखें, बिल्कुल मुख्तसर रखें, आप जितना रख सकते हैं उतना रखें, लेकिन ये होना चाहिए कि वो उस पैसे की कमी की वजह से तालीम हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा, तो कम अज कम उस कोटा को उसमें उसके मालिक या बजाते खुद क्रिएटिव बच्चा है
तो उस हिसाब से बेशक आप कसरत थोड़ी सी उस पर सख्त कर दें, लेकिन उसके तहत वो जाना चाहिए। और उम्मीद है उन्हें पिछले साल जो है, कहने लगे डॉक्टर साहब ये चला गया है हमारा साल, अब एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, फिलहाल आप उसको रोकें, ऑलरेडी हमारा प्लान चल रहा है, आप एजुकेशन के मामला में क्यों मुदाखलत करते हैं। हमने कहा कि एजुकेशन हम गरीबों की मांग रहे हैं, हम आपके एजुकेशन के लिए मतलब लोगों की दुआएं लें, आप दे तो रहे हैं स्कॉलरशिप, उसमें सिर्फ यह है कि हम उस अदीब के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप 100 स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो बेशक आप 5 दें, 4 दें, 2 दें, लेकिन एक कुछ करें तो सही। तो उसमें वो राजी हुए हैं। इसी तरह डीओजी से शेर महरानी साहब यहाँ पर मौजूद है, पिछली दफा जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुआ उसमें सरकारी जितनी भी अपना सोसाइटीज बन रही है उसमें पहले मरहले में हमने जो है वो सीडीए को खत लिखा है, और इसी तरह जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो हम लिखते हैं, डीओजी ने अप्रूव कर दिया है उसको, अभी जितनी भी सरकारी सोसाइटीज बनती हैं उनमें अधिकों पर कोटा रखें, इस तरह अहले कलम का साथ उनको देते रहे वो किसी हद तक। इसी तरह राइटर्स के लिए भी जो है वो होना चाहिए, और उम्मीद है कि उसके जो है वो सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से अकेडमी वजीफा तो देती है 13,000 रुपये में क्या होता है, लेकिन आप देखें 6.5 करोड़ रुपए जाते हैं। इस तरह गवर्नमेंट को कहें कि वो 13,000 तो कोई इशू नहीं, लेकिन अब जब 6.5 करोड़ तो कहते हैं आप मजीद जिंदगी इम्प्रूव नहीं करें, तो अब जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन वी आर होपफुल कि चीज़ें बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। और मैं खुशी से इस बात का आपके साथ इंतजार करना चाहता हूँ कि मैंने सवेरे भी कहा कि मिनिस्टर इज़ वेरी काइंड, वो खुद लिटरेरी आती हैं, अदब पढ़ते हैं, और मैंने सवेरे बताया उनको कि उनका यानी जब बात हुई नकुश की तो उन्होंने नकुश के खास नंबर की बात करना शुरू कर दी, उनके वालिद साहब की जो लाइब्रेरी थे तो वो लिटरेचर से खसूसी उनकी एक अपनाइत भी है, जिसका हमें यही हासिल है कि वो हमारी बात सुन लेते हैं और वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं, और जो तजावीज़ आपने दी हैं इन्होंने मजीद रास्ते खोले। मैडम फातिमा ने जैसे कहा कि एम्बेसीज की ये बिल्कुल न्यू पॉइंट था कि वीज़ाज के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ममालिक 8 ममालिक जो हमारी कॉन्फ्रेंस में थे उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली उनसे हमारी दुआ सलाम या खतो खिताबत या फ्यूचर प्लान डिस्कस हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का हम जब एमओयू करेंगे ये शिप भी डाल देंगे तो फ्यूचर जो है, ये बहुत आपने अच्छी तजवीज़ दी, इसको हम जरूर जो है वो टेकअप करेंगे। अब पोस्ट की जहाँ तक पोस्टल हवाले से मैं आपको बताऊँ, मैं ये बड़ा मसला है अभी पिछले जो मैं अवार्ड्स की जो है वो हो रही थी, क्योंकि वहाँ अवार्ड्स के हवाले से बात हुई कि किस तरह होती हैं चीज़ें, हम तो अपने लिटरेचर के ही लोगों को डिफेंड करते हैं, और इस दफ़ा मैक्सिमम लिटरेचर के लोगों को तकरीबन 13 अवार्ड मिले हैं लिटरेचर के लोगों को, वरना 1-2 अवार्ड के बाद बात रुक जाती थी उस पर, मतलब हमारी कोशिश ये थी कि भाई अजुबान ने दें अवार्ड, और ये शुक्र है कि उन्होंने किसी हद तक इस बात को सुन लिया और काफ़ी हद तक चीज़ें मानी, लेकिन आगे फिर कट लगा। और बाज़ दफ़ा तो ये है कि लोग जो कमेटियों में बैठे होते हैं वो बजाते खुद भी कहीं कहीं पे वो हमारे लिए मसाइल खड़े कर देते हैं, हमें स्टेप बैक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप मीटिंग में बैठा हुआ बंदा आपके लिए जो है कहे कि जनाब ये फला फील्ड में, एक मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ ना आपको, एक जुबान थी जिसमें जो है ना था कि इसमें जरूर अवार्ड देना इसको, तो एक साहब ने कहा कि खुश साहब आप इतना, अब मिनिस्टर बैठे हुए हैं सारी चीजें चल रही है, खुश साहब आप इतना बड़ा चला के इस केस को पेश कर रहे हैं ये कर रहे हैं, इससे तो फला शायर अच्छा है। हमने कहा जनाब उसको 2 दफा अवार्ड मिल चुका है, तो दिस इज नहीं, इनसे और भी बहुत है, मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, इससे फला 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 बहुत अच्छे अच्छा है भाई, उनकी नॉमिनेशन नहीं है इसकी है जाने दे, नहीं जाने दिया उसने। तो बाज दफा इस तरह की चीजें रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमने मैक्सिमम अवार्ड दिए। तो वहां पे मैंने तजवीज रखी कि भाई जिन लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं वहां पे तमगा है कहीं पे कुछ पैसे हैं, तो इनके लिए जो है ना रेलवे में पाकिस्तान रेलवे जो हमारी है ये कंसेशन जो है ना वो आप कर दें, कि और नहीं कम से कम जो राइटर है ना उसको 50% सिर्फ राइटर को, मिनिस्टर साहब कमेंट करें, उससे पहले किसी और साहब ने बोला, वो सेक्रेटरी थे, उसने कहा खुश साहब पहले रेलवे में खसारे में जा रही है, मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ऊपर से आप फिर जो है वो ये सारा काम करते जा रहे हैं, फिलहाल रहने दें, जब सूरत हाल बेहतर होगी तो देखा है। तो बहरहाल हर वक्त ये हालात नहीं रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी, आपकी तजावीज आएंगी तो हम भी इंकरेज हो रहे हैं कि ये तजावीज बिल दोबारा भी देनी चाहिए, तो डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत और अपनाइत से जो है वो नवाजा, शौक साहब का यहाँ पर आना, फैजवी साहब का, आप तमाम मेहमानों का, मैडम फातिमा आला की, मुझे पता है कि क्या सूरत हाल है, पीछे कई शादियाँ हो रही हैं कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जिस मोहब्बत और अपनाइत से सब दोस्तों ने लगा साहब डिपार्टमेंट किस किस के नाम गुजार साहब हैं हमारे शाह
शादाब साहब मुस्तकिल हमारे साथ रहे, सहवानी साहब, रिजवी साहब, साहिब सुंदरों साहब, तो मोहब्बतों के लिए और अपनाइयत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह जो है वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन जाहिर है कि ये आपकी तजावीज़ मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन असासा जो है वो बनेगी और हमारे लिए जो है वो हौसला अफजाई भी हुई आपकी आमद से। तो यकीनन ये तजावीज़ जो है कोशिश करेंगे हम कि अमली तौर पर आपको रिजल्ट जो है वो उसके नजर आने चाहिए। पहला आपका इजहार कर रहे थे, आपकी तजावीज भी थी, उन्होंने अपना विजन भी बताया, लेकिन अभी उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया, लेकिन प्रोग्राम अभी जारी है मुख्तसर तो 5 मिनट का। तो हमारा अगला जो मरहला है इकबाल सैमानी का चैनल है होम टीवी और उनकी होस्ट हैं मोहतरमा लुबना आक्स। तो लुबना आक्स चेयरमैन अकादमी अदबियात पाकिस्तान को अजरक का तो बातें करेंगी सर।